हेलो दोस्तों, आ गया यार आपका विकास भाई फिर आप लोगों के सामने। नमस्कार करता हूँ आप सभी को, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल विकास सर क्लासेस। पाइथन फंडामेंटल्स में हम लोगों ने अपने टोकन्स टॉपिक को कंप्लीट किया, सारे तरीके के टोकन्स हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके अलावा हम लोगों ने वेरिएबल्स को भी पढ़ा था, पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग यार वैल्यूज दे रहे थे वेरिएबल्स को डायरेक्ट कंपाइल टाइम पर, है ना, जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होंगे उसी टाइम। अभी तक माय फ्रेंड सब लोगों ने यूजर से वैल्यू नहीं ली, कंसोल पर वैल्यू नहीं ली, कीबोर्ड से वैल्यू नहीं मांगी। तो आज हम लोग वो काम करने जा रहे हैं कि भाई वेरिएबल की वैल्यूज कीबोर्ड से कैसे लेनी है, कीबोर्ड से कोई कैसे इनपुट लेना है, वो आज हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर सीखना है। और फिर उसको डिस्प्ले कैसे कराना है, स्क्रीन पर आउटपुट कैसे लेकर आना है। तो सिंपल सी बात है, आज हम सीखने जा रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि जो वेरिएबल यार आप लोग बनाते हो सिंपल, है ना, डायरेक्ट जो आप वैल्यू देते हो उससे हमारी जनरल प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। प्रोग्राम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन वो फिर कुछ फिक्स वैल्यू के लिए बनेंगे। जैसे मान लो आपने कहा कि दो वैल्यूज का हमें सम करना है, तो सिर्फ 2+3 आप लोगों ने क्या कर दिया, 5। पर क्या हम लोग ऐसे कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं? नहीं यार, हम तो क्या चाहते हैं, कोई भी वैल्यू डालो तो आपका वो आउटपुट देना चाहिए, मतलब हमें करनी चाहिए जनरल प्रोग्रामिंग। तो इसलिए बेटा हम लोग मांगते हैं कीबोर्ड से वैल्यू, इनपुट लेंगे हम लोग किसे, यूजर से। हमें तो दोस्तों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी अपने क्लाइंट की। जब आप लोग डेवलपर बन जाओगे, आपके पास क्लाइंट आएंगे अपने प्रोजेक्ट लेकर, तो भाई वो तो चाहेगा ना कि जैसी वो वैल्यू दे उस वैल्यू पे वर्क करे, हर वैल्यू पे वो चाहेगा कि हमारा प्रोग्राम रन करे भाई, है ना। तो वो ये हमें आज यहाँ पर दोस्तों करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज अपना फर्स्ट टॉपिक, कैसे इनपुट लेना है यूजर से। तो भाई फ्रेंड्स, इसके लिए पाइथन में खुद एक इनपुट नाम का ही फंक्शन है। इस फंक्शन से आप इनपुट करा सकते हैं, कब, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, कब, कंसोल, ठीक है, रन टाइम पर। जब आपका प्रोग्राम रन हो तब आप यार कीबोर्ड से वैल्यू मांग सकते हैं, इसके थ्रू इनपुट फंक्शन के थ्रू, एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगेन भाई ये फंक्शन मत पूछना, अभी फंक्शन क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, बस ये ध्यान रख लो कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि जब फंक्शन आएगा तब डिटेल में जाऊंगा, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाने में मुझे अच्छा नहीं लगता। सिंपल सी बात है, तो ये कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और आपको उस वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा देगा, आपके वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, उसको रेफरेंस दे देगा। लेकिन ये वेरिएबल माय फ्रेंड हमेशा वर्क करते हैं, हमेशा जो आपको रिटर्न करेंगे वो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग। सिंटैक्स देखो यार, मैंने यहां पे दिया हुआ है वेरिएबल नेम इक्वल टू इनपुट, और जो भी आप यहाँ पर मैसेज लिखोगे, जो प्रॉम्प्ट आप लोग लिखोगे, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन। तो एग्जांपल आप लोग एक वेरिएबल लिया मैंने नेम, और आप लोगों ने लिखा इनपुट व्हाट इज योर नेम, तो आपका सर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा, व्हाट इज योर नेम, मतलब आपसे वैल्यू मांगेगा, इंतजार कर रहा है ये प्रॉम्प्ट, है ना, कहेगा भाई हमें वैल्यू दो। तो इनपुट का काम इतना ही, कीबोर्ड से हमें क्या चाहिए, वैल्यूज। अब सब कुछ करेंगे, अभी करेंगे, रन करेंगे, ये तो भाई बहुत जरूरी रन कराना है आप लोगों को, एग्जीक्यूट करके दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, हर प्रोग्राम। मैंने कहा यार ये आपको सिर्फ कैसे वैल्यूज देता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, पर आप नहीं चाहते स्ट्रिंग टाइप की मिले, आपको चाहिए मान लीजिए इंटीजर, भाई हमें तो 2 नंबर्स को ऐड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हमें तो न्यूमेरिक वैल्यूज भी चाहिए, है ना, किसी की एवरेज निकालनी है, कभी किसी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर उस वैल्यूज को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, किसमें, डिजायर्ड टाइप में, जो मेरे दोस्तों को चाहिए होगी, जो मेरे भाइयों को चाहिए होगी, उसमें कन्वर्ट कर। तो उसके लिए हम टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अपने इनपुट फंक्शन के साथ। जैसे इंट क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा, एसटीआर एसटीआर में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, बूलियन वैल्यू को में कन्वर्ट करने के लिए बूल फंक्शन यूज करेगा। लेकिन एक बात यार यहाँ पे ध्यान रखना, कन्वर्ट करेगा पर ऐसा नहीं ना कुछ भी आप उठा के दे दो, आप कहो कि अपना नाम दे दो, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर, कैसे कर देगा यार। तो इसलिए हम हमेशा वैल्यू उस तरीके की असाइन करेंगे टाइप कन्वर्जन फंक्शन को, जो कन्वर्टेबल हो, उसको सपोर्ट करे। यूज कैसे करना है, इनपुट फंक्शन के साथ देखो, वेरिएबल नेम, फिर टाइप, मतलब जिस टाइप में आप चाहते हो वो यहां पर आ जाएगा, इंटीजर में चाहते हो तो इंट आ जाएगा, फ्लोट में चाहते हो फ्लोट, फिर इनपुट, और जो मैसेज आप यहां पर दोगे वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। तो ये सिंटैक्स है इनपुट और टाइप कन्वर्जन दोनों फंक्शनों का मिलाकर आप लोग यहां पर यूज कर सकते। तो इससे आपको डिजायर्ड टाइप में वैल्यू मिल जाएगी, कन्वर्ट बाद में नहीं करना,
कन्वर्ट बाद में भी कर सकते थे, है ना, अलग से भी कर सकते थे कि पहले भाई इसको स्ट्रीम में करवा लो, फिर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, फ्लोट में करें, अगर पॉसिबल है वो वैल्यू। लेकिन काम लंबा क्यों करें यार, पाइथन कह रही है शॉर्ट करो, तो भाई शॉर्ट में यूज करो वो डायरेक्ट वैल्यू लिखो। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, ए आपको पता है हमें इंटीजर में चाहिए, तो हमने लिख दिया इंट इनपुट एंटर, तो ये मैसेज एडिटेज आ जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, सिंगल कोट डबल कोट में जो भी आप लिखते हो एडिटेज आप लोगों को स्क्रीन पर मिलेगा, आपका मैसेज ये वहां पर आपको मिलेगा। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है एंटर योर एज, वेट करेगा भाई अपनी एज को एंटर करवाओ, जो भी आपकी एज है एंटर कर दो, जल्दी से कर दो। मार्क्स प्लॉट एंटर योर मार्क्स, आप इसमें भी एंटर करा सकते हैं, तो ये मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया इसमें फ्लोट में। अब एक फंक्शन इवेल, इवेल्युएट है ना, जैसे नाम बन रहा है इसका इवेल, ये क्या करता है बेटा, आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग और उसको इवेल्युएट करेगा एज अन, आपको न्यूमेरिक रिजल्ट देगा। लेकिन प्रॉब्लम इसकी भी क्या होगी कि अगर आर्गुमेंट आपने स्ट्रिंग नहीं दिया तो मेरे दोस्तों एरर दे देगा, क्योंकि ये वर्क करेगा तो सिर्फ स्ट्रिंग पे ही करेगा। तो इसलिए हम लोग मोस्टली इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, पर अगर इवेल आप चाहते हो कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इवेल 15 लिखा, स्ट्रिंग में दिया मैंने 15, इवेल्युएट तो सब 15 मिलेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट 2+3 कन्वर्जन हुआ, न्यूमेरिक में 2+3 5 आया, रिजल्ट 5 मिल गया। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट स्ट्रिंग करो उसके अलावा, मतलब स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी करोगे तो आपको एरर दे देगा, वैल्यूएट फंक्शन में कन्वर्ट नहीं। तो ये तो काम हो गया हमारा कीबोर्ड से वैल्यूज मिलेगा। अब बात करते हैं उसको स्क्रीन पे लाने का। तो माय फ्रेंड्स, हाउ टू डिस्प्ले योर आउटपुट ऑन स्क्रीन, कैसे अपने आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे भेजना है, कैसे अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, वो काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा दोस्तों, प्रिंट फंक्शन करेगा, ये आपकी वैल्यू को भेजेगा, ये आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा आपके आउटपुट डिवाइस पे, जैसे जैसे लाइक मॉनिटर। बहुत मजेदार टॉपिक है यार ये प्रिंट फंक्शन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको प्रिंट करके दिखा सकता है पाइथन। इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनपुट आउटपुट सीखना तो यार बहुत जरूरी है, इनके बिना तो हमारे प्रोग्राम का नहीं करेगा। क्या क्या है इसके आर्गुमेंट प्रिंट के अंदर, स्टार ऑब्जेक्ट लिखा है, स्टार मैंने क्यों लगा दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, वेरिएबल्स कितने भी यहां पर आप ले सकते हो। वो आर्गुमेंट है इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, एक स्टेप सेपरेटर जिसको बोलते हैं सेपरेटर स्ट्रिंग के लिए, और एक एंड एंड स्ट्रिंग, एक सेपरेटर स्ट्रिंग और एक एंड स्ट्रिंग। क्या काम है, पहले बात करते हैं स्टेप की। स्टेप स्पेसिफाई करता है सेपरेटर क्या है, कि आप जो वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं उनके बीच में आप कोई सिंबल लगाना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो वो काम आपका कौन करेगा, सेट। ठीक है, मैंने कहा मैं तीन वेरिएबल्स को प्रिंट करा रहा हूं, जैसे 2, 3, 5 तीन वैल्यूज हैं मेरी, इन सब के बीच में मैं हाइफन का साइन लगाना चाहता हूं, स्टार आस्टरिस्क का साइन लगाना चाहता हूं, तो वो वैल्यू आप इसको दे दो सेट। अगर नहीं दोगे तो मेरे दोस्तों ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो व्हाइट स्पेस स्पेस आ जाएगा। ये एक और बहुत अच्छी चीज है यार, कि आपको स्पेस देना भी नहीं पड़ेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू खुद स्पेस में प्रिंट हो जाती है, किसके अंदर डिस्प्ले हो जाती है, किसके थ्रू प्रिंट फंक्शन के। तो ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इस पाइथन में मजा आ गया। इससे सिंपल क्या चाहिए, इससे सिंपल कोडिंग और क्या चाहिए, प्रिंट फंक्शन हमें फैसिलिटी एक से एक फैसिलिटी दे रहा है कोडिंग को आसान। अब बात करो एंड, ये एंड कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करता है, बाय डिफॉल्ट इसका भैया एंड कैरेक्टर होता है स्लैश एंड, मतलब न्यू लाइन बैक स्लैश एंड न्यू लाइन, कि ऑटोमेटिकली आपको न्यू लाइन पे ले जाते हैं, पर आप नहीं जाना चाहते न्यू लाइन पे, तो माय फ्रेंड आप यहां पर वो आर्गुमेंट दे दो, आपकी लाइन उस स्ट्रिंग पे खत्म होगी जो स्ट्रिंग आप एंड पैरामीटर में मेंशन कर। एक और बात मैंने लिखी हुई है नोट करके, कि भाई सैप और एंड दोनों ऑप्शनल है, आप सैप नहीं दोगे तो भी वो अपना काम करेगा, स्पेस इंसर्ट कराएगा, आप एंड एलिमेंट नहीं होगे तो वो भी तब भी वो न्यू लाइन कैरेक्टर है अपना अपेंड करेगा, न्यू लाइन पे आपको ले जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बता रखे हैं थ्योरेटिकली, और फिर हम लोग उसी चीज को दोस्तों चलेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे अपनी पैथन शेल। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं भाई, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, पर फिर भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली शेल पर भी दिखाऊंगा, ये पाइथन शेल पर भी, पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू भी सारी चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, प्रिंट वेलकम टू विकास सर क्लासेस, डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना,
सिंगल कोट हो या डबल कोट हो भाई, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर ऐसे आप कुछ दोगे सिंगल कोट या डबल कोट में, तो एज इट इज आपका आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या मिल गया आपको, वेलकम टू विकास सर क्लासेस। टू प्रिंट किया आप लोगों ने डबल कोट्स में, देखो यार एज इट इज आ जाएगा। थ्री प्लस फोर आप लोगों ने लिखा किसके अंदर, किसके अंदर लिखा डबल कोट्स में, तो भी एज इट इज आ जाएगा यार, है ना। आप लोग सोच लोगे सेवन आएगा, नहीं आएगा भाई सेवन, स्ट्रिंग में ये और वो भी डबल कोट्स में लिया है आपने। थ्री प्लस फोर को अलग अलग आप लोग लेते, थ्री को डबल कोट्स में अलग लेते और फोर को अलग लेते, बीच में प्लस करते तो आपको पता है वहां 34 आ जाता है ना, स्ट्रिंग उन दोनों को कंबाइन करके लिख देता। लेकिन यहाँ पर डबल कोट्स में थ्री प्लस फोर है तो एडिटिज आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई अगर कुछ भी सिंगल कोट डबल कोट्स में हम लोग देंगे तो वो एडिटिज हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होता है। नेक्स्ट वेरिएबल मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू टेन, एक वैल्यू ली है a इक्वल टू टेन, प्रिंट कराया a को, आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ गया टेन। अगर उसी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया सिंगल कोट, तो देख लो एडिटिज आ गया, वैल्यू नहीं मिली जी, यही तो समझाना चाहता हूँ। सिंगल कोट डबल कोट्स में लिखोगे तो एडिटिज मिलेगा। फिर आपने पहले a इक्वल टू डबल कोट्स में दिया है फिर वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो देख लो a इक्वल टू आ गया आपका डबल कोट्स का एडिटिज आ गया, और फिर भाई a जो आपने दिया था वैल्यू के लिए वो आपका टेन। तो वैल्यू जब प्रिंट करानी है डबल कोट नहीं लगाएंगे, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो हम लोग उस पर क्या कराते हैं लगा देते हैं डबल कोट या सिंगल कोट, हम लोग लगा देते हैं। दोस्तों एक बात और समझाना मैं आप लोगों को चाहता हूँ यार, माय फ्रेंड जब भी हम लोग किसी भी चीज को प्रिंट कराएंगे तो हमेशा पहले कोई मैसेज दिया, ठीक है। क्योंकि यार आप देखो ना, मैंने जब 10 प्रिंट कराया तो समझ नहीं आ रहा यार क्या प्रिंट कर रहे हो, किस चीज के लिए प्रिंट कर रहे हो। कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म करो तो पहले मैसेज दो, उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। ये बात मेरी याद रखना, प्रोग्रामिंग में मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा, है ना। जब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, तब भी मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा। देखो एक और एग्जांपल देखो, द थ्राइस ऑफ, आपको पता चल गया ये एडजेक्टिव लिखा आ जाएगा, फिर ए, फिर आप लोगों का देखो क्या लिखा हुआ है ए, फिर कोमा देकर ए इंटू थ्री। तो ए और ए इंटू थ्री पर मैंने कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाए हैं, डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, तो द थ्राइस ऑफ एडजेक्टिव आया। फिर क्या आएगा बेटा, ए की वैल्यू जो कितनी थी 10, फिर इज ए इंटू थ्री, 10 इंटू थ्री क्या हो गया 30, एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, 10 कोमा 20 कोमा 30, तीन वेरिएबल्स है, वेरिएबल बनाना आप लोग जानते ही हैं। प्रिंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, देखो हमने कोई स्पेस नहीं दिया, कोई स्पेस नहीं दिया मैंने एक्स कोमा वाई कोमा जेड में, पर बाय डिफॉल्ट 10, 20 और 30 में क्या आ गया स्पेस आ गया। यही तो कमाल है यार, यही तो कमाल है किसका, सैप एलिमेंट का। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या इंसर्ट कराता है, स्पेस इंसर्ट कराता है। जो भी आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर कैसे दोगे, कोमा करके ऑब्जेक्ट्स दोगे तो सबके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, अगर आपने सेप आर्गुमेंट मेंशन नहीं किया हुआ है तो। और अगर आप कर रहे हो सेप आर्गुमेंट, तो जो आप दोगे उस सेप आर्गुमेंट को, सेप एलिमेंट्स को, तो मेरे भाइयों वो बीच में आ जाएगा। प्यारे बच्चों देख लो यार, एग्जाम्पल से देख लो प्यारे बच्चों, मैंने जैसे सेप एस्टरिस्क का साइन दिया तो आप लोग देखो 10, 20 और 30 में एस्टरिस्क का साइन बनकर आ गया। मैंने हाइफन का साइन दिया तो आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हाइफन आ गया। तो ये है सेप आर्गुमेंट का जॉब, सेप पैरामीटर, सेप एलिमेंट इस तरीके से वर्क करेगा, जो भी भाई उसकी वैल्यू दोगे वो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिंट वेलकम टू, फिर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम विकास सर क्लास, मैंने कोई स्लैशन नहीं दिया, है ना। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए माय फ्रेंड्स मैंने कोई स्लैशन नहीं दिया, मैंने एक साथ दोनों लाइनों को लिया, लेकिन फिर भी विकास सर क्लासेस आपका कहां जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक एंड एलिमेंट है आपका प्रिंट फंक्शन के अंदर, एंड पैरामीटर है जो ऑटोमेटिकली एड करता है क्या, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो आपको कहां भेज दिया उसने, न्यू लाइन पर भेज दिया। तो इसलिए जब आप लगातार प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो जब भी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे वो आपकी नेक्स्ट लाइन में ही होगी, ठीक है। किसकी वजह से, समझ गए आपको, न्यू लाइन कैरेक्टर की वजह से। स्लैशन आपका बैक स्लैशन जो होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली एड करता है आपका एंड पैरामीटर्स की वैल्यू को फॉर प्रिंट फंक्शन। अगर नहीं चाहते हो यार आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ, है ना, ऑटोमेटिकली आप नहीं चाहते हो कि भाई नेक्स्ट लाइन पर ही आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो, तो दोस्तों एंड पैरामीटर में जो वैल्यू दोगे
वो उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आ जाएगी। जैसे मैंने वेलकम टू एट द रेट दिया है एंड एलिमेंट में क्या दिया एट द रेट, तो माय फ्रेंड देखो इन दोनों लाइंस के बीच में क्या आ गया एट द रेट आ गया, कोमा था तो वेलकम टू के बाद देखो स्पेस आया उसके बाद एट द रेट विकास सर क्लासेस। ऐसे आप अगर यहाँ पर हैश देते तो हैश आ जाता, अगर आप यहाँ पर अपना नाम देते तो नाम आ जाता, जो भी आप दोगे यार एंड एलिमेंट में वो यहां पर आ जाएगा लाइन के एंड फर्स्ट लाइन के एंड में, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो साथ में अटैच होकर प्रिंट होगी न्यू लाइन में नहीं। तो दोस्तों चलकर देखते हैं इन सब चीजों को किस पर पाइथन सेल पर, करते हैं स्वागत पाइथन सेल का। ओके एक एक चीज को आप लोग वहां पर एग्जीक्यूट कराकर देखते हैं कैसे इनपुट कराते हैं भाई, कैसी चीजों को प्रिंट कराते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेशन आप लोगों के लिए। नाउ मूव टू द पाइथन सेल। तो बच्चों आ गई हमारी पाइथन सेल, स्वागत कर लीजिए इसका भी, क्योंकि यही हमें बताएगी यही हमें दिखलाएगी कि हाँ भाई जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो सच में पॉसिबल है या नहीं है। आप सही पढ़ा रहे हो विकास भाई, यही हमारी पाइथन सेल प्रूफ करेगी। तो आज इनपुट लेना हम लोगों ने सीखा, पहले हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते थे, ऐसे हम वेरिएबल्स को वैल्यू देते थे, ये होता था हमारा इनपुट लेने का तरीका। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप एक कंबाइंड टाइम पर आप वैल्यू दे रहे हो, आप नहीं चाहते कि भाई यूजर से हम लोगों को वैल्यू मिले तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे देते, पर ये क्या होगा, क्या ये जनरल प्रोग्राम बनेंगे, नहीं ये सिर्फ टू के लिए काम करेगा, एक्स की वैल्यू टू ही रहने वाली। पर मैं चाहूंगा यार टू कि कोई भी वैल्यू एंटर करे वो एक्स की वैल्यू में से हो जाए, है ना, यूजर के थ्रू हमें एंटर करवाना है, यूजर के थ्रू हमें वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तो वो हम किस फंक्शन से करेंगे माय फ्रेंड इनपुट फंक्शन। देखो दोस्तों कैसे यूज करते हैं इनपुट, मैंने लिखा एक्स इनपुट और मैंने लिखा यहां पर एंटर द नंबर, ठीक है मैंने अभी ऐसे लिखा, आ गया मैसेज आप एक्स की वैल्यू क्या डालो, आपने मान लो यार टू डाल दी, तो क्या इंटीजर होगी ये और देख लो यार, ये बात और देख लो, जब आप x को प्रिंट कराओगे तो आप देखो मेरे भाई वो कैसे मिल रही है वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप मिल रही है, कैसे वैल्यू मिल रही है स्ट्रिंग टाइप। तो मैं इस वैल्यू में अगर मैं प्लस करने की सोचूंगा तो एरर दे देगा यार, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। थोड़ा सा लिखने का तरीका भी आपका आपको अच्छा करना पड़ेगा, जैसे एंटर द नंबर आपने लिखा और आप देखो टू बिल्कुल अटैच होकर इनपुट हो रहा है ना, तो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, थोड़ा सा यहाँ पर कोई सेपरेटर यूज कर दो, कोई सिंबल यूज कर, इस तरीके से मैंने लिखा एंटर द नंबर और मैंने यहाँ पे कॉलम यूज कर दिया। अब देखो बेटा अब अच्छा लगा है ना, अब अटैच होकर नहीं आएगा, ये मैंने वैल्यू एंटर करा ली, ये वैल्यू प्रिंट हो गई, पर अभी भी स्ट्रिंग टाइप में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी नहीं चाहते, आप चाहते हो सर नेक्स्ट लाइन में इनपुट हो अटैच वहीं पर ना, उसी लाइन में ना हो अटैच होकर वहां ना, तो ये भी काम कर सकते हो, एंटर योर नेम स्लैश एन दे दो, बैक स्लैश एन दे दो सर, न्यू लाइन कैरेक्टर दे दो भाई, न्यू लाइन कैरेक्टर। अब देख लो आ गया अपने आप नेक्स्ट लाइन में, तो ये एक अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी आपका होता है यार, कोई चीज करते हो तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आउटपुट स्क्रीन में किस तरीके से शो हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया विशाल, तो आप नेम को प्रिंट कराओ विशाल आपको मिल, तो इस तरीके से आप कीबोर्ड से वैल्यू ले, हर टाइप अभी हमारी वैल्यू का क्या है स्ट्रिंग, पर इनके साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए मैथमेटिकल वैल्यूज चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया टाइप फंक्शन यूज कर लो यार, टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज कर लो, जिस टाइप का चाहिए आपको नंबर उस टाइप को आगे लगा दो, जैसे मैंने यहां लगा दिया int, तो अब देख लो अब मैं यहां पे एंटर कराऊंगा एंटर द वैल्यू, तो मेरे भाइयों मैंने ये हो गया इसका सिंटैक्स, तो अब जो x की वैल्यू आप डालोगे वो इंटीजर डाल सकते हो और इंटीजर ही की तरह वो प्रिंट होगी, तो आपने यहां पर वैल्यू को कन्वर्ट किया इसमें इंटीजर, फ्लोट में भी कर सकते हो है ना, फ्लोट में भी आपको रिसीव चाहिए वैल्यू तो फ्लोट में भी चाहिए कर सकते हो, ऐसे दे दो, देखो 2.5 डाल दिया मैंने, ये हो गया फ्लोटिंग टाइप नंबर, तो आप ये तरीका आप दे सकते हो वैल्यू को इनपुट कराने, ठीक है। एक और मैंने क्या पढ़ाया आपको ई वैल्यू, इवैल्यूएट कैसे करता है वो इवैल्यूएट एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, और आर्गुमेंट क्या लेता है दोस्तों स्ट्रिंग लेता है, जैसे हमने लिख दिया 22 प्लस 14 क्या आएगा बताओ क्या आएगा यार, अगर ये स्ट्रिंग होता तो क्या आ जाता 2242 आ जाता, प्लस आपका कॉन्कैटनेशन की तरह काम करता जोड़ने के काम करता है, लेकिन अभी न्यूमेरिक की तरह इवैल्यूएट होगी तो 40 प्लस 20 60 और 2 और 2
आपका 64 वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ही दूं तो देखो क्या दे देगा आपको, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि तो इसको हर हाल में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? स्ट्रिंग। तो ये तो भाई वैल्यू इनपुट कराने का काम। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज तो यार अब हमें पढ़नी है क्या, प्रिंट फंक्शन को देखना है भाई। प्रिंट कैसे कमांड करता है, जो अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा उसी तरीके से वैल्यू को प्रिंट कराएगा या नहीं कराएगा। ओके देख, अब मैं प्रिंट का यूज करूंगा, सेल इंटरएक्टिव मोड में भी प्रिंट का यूज करूंगा, वैल्यू को प्रिंट करा। मैंने एक्स टू लिखा, मैंने बच्चों प्रिंट करा दिया इस तरीके से, तो प्रिंट एक्स हो गया, टू मिल गया, कर रहा है काम, आ गई वैल्यू भाई, आ गई वैल्यू, यही तो हमें चाहिए था। अब जैसे एक सम का प्रोग्राम बनाया, ए इक्वल टू बी, ओ क्या दे दिया यार, ए इक्वल टू बी नॉट डिफाइंड, अभी तो ये बनाया ही नहीं, ए इक्वल टू टू दो यार, ए इक्वल टू टू दो, b इक्वल टू सेवन, ठीक है डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूं मैं, कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं प्रिंट कराना दिखाना चाहता हूं। अब आपको इनपुट कराना तो आगे c इक्वल टू a प्लस b लिखा हमने, ठीक है, फिर आप प्रिंट करा रहे हो ऐसे, हो गया c, पर इससे समझ में आ रहा है क्या ये सम है? पता नहीं लग रहा ना, c की वैल्यू किस काम के लिए आई है, क्या परफॉर्म ऑपरेशन करके आई है ये c की वैल्यू। तो मेरे यार मेरे दोस्तों, पहले कोई मैसेज दे दिया करो जैसे ऐसे सम इक्वल टू, तो भाई यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि यस सम में कुछ प्रिंट है, ये जो नाइन आ रहा है ये किसी का सम होके आया है। तो दोस्तों यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, जो भी डबल कोट्स में दोगे, सिंगल कोट्स में दोगे, एज ए स्ट्रिंग दोगे, वो एज इट इज प्रिंट होगी। किस फंक्शन के अंदर? प्रिंट फंक्शन के अंदर, एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आए। और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं प्रिंट कराने, है ना, मैंने ऐसे दे दिया सम ऑफ ए एंड बी, और फिर हमने सी को प्रिंट करा, आ गया नाइन। और देखो और चेंजेस थोड़ा मैसेज को करते हैं, मैंने इस तरीके से दिया सम ऑफ कोमा ए, फिर मैंने दिया डबल कोट्स में ही एंड, फिर मैंने लिखा बी। देख लो कोई स्पेस नहीं दे रहा हूं मैं यहां पर, एक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं साथ साथ, कोई स्पेस नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके आउटपुट के टाइम फिर भी स्पेस आएगा ही आएगा दोस्तों, फिर भी स्पेस आएगा ही आएगा। देखो बेटा आ रहा है ना, जबकि आपने स्पेस नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कौन काम कर रहा है? सेफ आर्गुमेंट काम कर रहा है। कौन आर्गुमेंट काम कर रहा है आपका? सेफ, स्पेस देता है। अब सेफ आर्गुमेंट में आप चाहते हो कि सेफ आर्गुमेंट के थ्रू स्पेस नहीं आए, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो स्पेस जो ऐसे होती है ना, आप नहीं भी देते हो तो आप मान लो ये कोई वेरिएबल ले लो, आपने मान लीजिए भाई x लिया, कीबोर्ड से भी ले सकते हो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लिया और y लिया 7, और आपने बच्चों ऐसे प्रिंट कर दिया, माय फ्रेंड्स ऐसे प्रिंट करा लिया हमने x और y को, तो आप देखो ऑटोमेटिकली स्पेस आ रहा है, क्योंकि सेफ आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, क्या होती है? स्पेस होती है। अब आप इसके अलावा कुछ चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई और चीज प्रिंट होकर आए, है ना, कोई सेपरेटर आए, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, पहले हमने z ले लिया 8, अब मैं तीनों को प्रिंट कर रहा हूं, x को भी, y को भी और z को। और यहां पर यार देखो मैं आपका सेफ आर्गुमेंट को यूज कर रहा हूं, सेफ पैरामीटर को यूज कर रहा हूं, और मैं उसमें मान लो वैल्यू दे दे रहा हूं हाइफन, है ना, हाइफन दे दो, क्या दे दे? हाइफन दे दो। तो अब देखो x y z की वैल्यू में बीच में हाइफन लीजिए यार, यही तो मैं कहता था, जो दोगे भाई वो आ जाएगा, प्रिंट x कोमा y कोमा z, अगर आप स्टार दोगे तो माय फ्रेंड स्टार आ जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ सेफ पैरामीटर, कि भाई जो सेपरेटर आप लगाना चाहो अपनी वैल्यूज के बीच में आप लगा सकते हो, स्ट्रिंग में जहां दोगे यार स्ट्रिंग में लगा सकते हो, जो भी आप दोगे वो सब चलेगा, कोई वर्ड मतलब स्ट्रिंग को हम लोग दे ही रहे हैं, कोई वर्ड अगर हम लोग कोई लगाना चाहते हैं, जैसे मैं कह दूं क्या दे दे यार बताओ, हेलो यार हेलो डाल दो बीच में, है ना, सेफ पैरामीटर में आप वैल्यू दे दो भाई हेलो, तो आप इन तीनों नंबर्स के बीच में क्या आ जाएगा, हेलो आ जाना चाहिए, लो भाई आ गया। तो ये दिस इज द वर्किंग ऑफ सेफ पैरामीटर। तो एग्री हो फ्रेंड्स, आ रही है बात समझ में दोस्तों कि सेफ का क्या रोल है? अब बात करते हैं अपनी किसकी, एंड किसकी सर, एंड। इसके लिए मैं आप लोगों को इंटरएक्टिव मोड की जगह मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट मोड पे ले चलता हूं, पहली बार अब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। देखो कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने लिखा प्रिंट
मैंने एक मैसेज दिया, आज तो भाइयों इनपुट कराना सीख गए। ये मैंने एक मैसेज दिया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा लिखा प्रिंट, डिस्प्ले कराना भी सीख लिया, ठीक है। ये मैंने आपको दो लाइन्स लिखी, कोई मैंने सिलेशन नहीं दिया, कोई मैंने कुछ नहीं दिया फर्स्ट लाइन में, लेकिन जब ये प्रिंट होंगी तो आप देखना हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट होगा जो आपका दूसरा मैसेज है। इसको रन कराने के लिए माय फ्रेंड पहले आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। लीजिए मैंने सेव करा दिया, सेव करा रहा हूं मैं अपने डेस्कटॉप पे करा देता हूं। और मैंने फर्स्ट प्रोग्राम रन करा रहे हैं हम लोग अपना स्क्रिप्ट मोड में, तो मैंने नाम डाल दिया इसका वन, ठीक है। ये हो गया सेव। अब देखो बेटा मैं इसको रन कराने जा रहा हूं, दो तरीके हैं, एक तो रन यहां पे जाओ रन मॉड्यूल पे करो या फिर F5 आप डाल दो। तो देख लो ऑटोमेटिकली अपना कहां आ गया, नेक्स्ट लाइन में आया। तो सर क्या काम है यहां पर, प्रिंट फंक्शन आपका क्या कर रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, कौन एंड पैरामीटर के थ्रू। क्यों, इसलिए जब भी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट दोगे वो आपकी नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगी। हम नहीं चाहते सर ऐसा कि भाई न्यू लाइन पे जाओ, उसी लाइन में हमें चाहिए, है ना, हमें वहीं रहना है। तो इसके लिए क्या करें, अब इस चीज को देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करें, चलते हैं दोबारा अपने इंटरैक्टिव मोड और यूज देखते हैं किसका, एंड मैंने बेटा ये दे दिया एंड और इक्वल टू मैंने ऐसे, ठीक है, खाली स्पेस दे दिया पक्का। चलो इसको सेव करा लो, मैंने सेव करा दिया और फिर मैं इसको रन करा रहा हूं। ये मैं बच्चे रन करा देता हूं मैं, देखो यार देखो, एक लाइन में नहीं गया वो, नीचे लाइन में नहीं गया एंड पैरामीटर, ये मैजिक कर रहा है, ठीक है। वरना प्रिंट आप लोगों को कहां ले जाता, आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाता था, ले जाता। तो आप सेम लाइन में रहना चाहते हो तो आप किसके थ्रू सीखोगे, प्रिंट फंक्शन में एंड पैरामीटर के थ्रू आप ये काम करा सकते हो। और देख लो यार, और देख लो, अब मैं इन दोनों को हटा देता हूं, ठीक है, मैं इन लाइंस को हटा, मैंने लिया प्रिंट हेलो। आप कहेंगे कि सर बिना प्रिंट को बंद किए हुए, है ना, मैं डबल कोट्स में स्ट्रिंग को बंद किए हुए क्या मैं नेक्स्ट लाइन में जा सकता हूं। जी बिल्कुल जा सकते हो, ऐसे बैक स्लैश दबाओ और अब आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक ही लाइन इसको माना जाएगा, जब एग्जीक्यूट होगी एक ही लाइन में हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने ये सेव करा लो, हो गया सेव, रन करा लो, देख लो आ गया आपका हेलो फ्रेंड्स। तो लाइन आप गए थे नेक्स्ट लाइन में, फिर भी आपका नेक्स्ट लाइन में ब्रेक नहीं होगा, आपकी लाइन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ब्रेक नहीं। और वर्किंग देखो एंड पैरामीटर की, यहां पर दो लाइन्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं यहां पर ऐसे ले रहा हूं एंड, और मैंने यहां पर एंड के लिए इसको यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा आर्गुमेंट क्या दिखाएगा कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो किस सिंबल पर बंद हो रही है, किस टर्मिनेशन से खत्म हो रही है, जो उसका एंड कैरेक्टर है वो कौन है, ये डॉलर। अब वो नीचे नहीं जाएगा, है ना, ये तो आपने देख लिया था प्रिंट एंड पहले भी, अब ये सिंबल वहां पर आ जाएगा। ये पहले तो न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेता था और नीचे चला जाता था, अब नहीं जाएगा। देखा, यस यस यस, आ गया बीच में। तो मेरे भाई ये वर्किंग है आपकी एंड पैरामीटर की, ये वर्किंग है आपकी सेप पैरामीटर की, किस स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन। तो जब भी अगर कोई वेरिएबल की आपको वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो यार आप लोग प्रिंट में दो डायरेक्ट, और जब आपको मैसेज कराना होता है तो आप उसको डबल कोट्स में दे दो प्रिंट स्टेटमेंट में, तो आपका एजेंट जाएगा। जैसे मान लो मैं एक्स लिख दूं यहां पर तो वैल्यू नहीं आएगी अब, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग बना दिया, एक्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू के लिए हम लोगों को बिना कोट्स के प्रिंट करना होगा किसी भी वैल्यू। तो माय फ्रेंड्स क्लियर हो गया इनपुट आउटपुट। अब हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे कीबोर्ड से वैल्यूज देने के लिए, डायरेक्ट वैल्यूज बहुत ही कम यूज करेंगे, और प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे डिस्प्ले का। तो बहुत बहुत धन्यवाद माई फ्रेंड्स, देखते रहो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को, अब समझते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।